नमस्ते, वेलकम टू हैप्पी होम मेकिंग। आजकल कुकिंग के लिए एल्युमिनियम कढ़ाई का इस्तेमाल करना हम लोग पूरी तरीके से बंद कर दिया, क्योंकि एल्युमिनियम हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं। और एल्युमिनियम कढ़ाई की जो इजी ऑल्टरनेटिव होते हैं वो है स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई। लेकिन लोकल मार्केट में जो स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई मिलती है वो उतना अच्छी नहीं होती है। फ्राई करने के टाइम या कुकिंग करने के टाइम कढ़ाई जल जाती है, अच्छे से साफ नहीं होती है। और जो प्रीमियम क्वालिटी का जो कढ़ाई आती है, इसका कढ़ाई की जो प्राइस है बहुत ज्यादा है, 2000 और 3000 से स्टार्ट होते हैं। तो अगर आप बजट में एक अच्छा सा स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई ढूंढ रहे हो तो आज का वीडियो जरूर देखना। तो आज हम बात करेंगे ऐसे कढ़ाई की जो कि बजट फ्रेंडली है, स्टेनलेस स्टील की है एंड क्वालिटी भी जिसका बहुत अच्छी है। अमेजन का एक ब्रांड है सोलिमो, ये अमेजन का इन हाउस ब्रांड है, अमेजन का खुद का ब्रांड है। तो वो ब्रांड का एक कढ़ाई है जिसका प्राइस है 500, ओरिजिनल प्राइस है 700, लेकिन वो आपको 500 रुपीज, 5 to 550 के अंदर उसका प्राइस वैरी करते रहते हैं। तो 5 to 550 के अंदर आपको वो कढ़ाई जो है वो मिल जाएगी। तो वही कढ़ाई का आज मैं रिव्यू दूंगी, लेकिन वो कोई अनबॉक्सिंग रिव्यू नहीं है। मैंने लास्ट वन वीक से ये कढ़ाई यूज कर रही हूँ। मतलब काफी सारे मैंने कुकिंग किया है, फ्राई किया है, नॉर्मल जो सब्जी है वो कुक किया है, फिश बनाया है, चिकन बनाया है। पिछले एक वीक से मैंने इसको पूरी तरीके से यूज कर रही हूँ, उसके बाद ही मैं ये रिव्यू आपको आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और एक चीज, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, क्योंकि ये जो वीडियो है ये मेरे चैनल के थर्ड वीडियो है, तो जाहिर सी बात है इसमें कोई भी स्पॉन्सरशिप नहीं होगी। जो भी ओपिनियन है वो मेरा ओपिनियन है और ऑनेस्ट ओपिनियन है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन, DIY, क्लीनिंग एंड शॉपिंग रिलेटेड वीडियो पसंद करते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब हैप्पी होम मेकिंग। और अगर सब्सक्राइब किया है तो क्लिक द बेल आइकन, ताकि मेरा कोई भी न्यू अपलोड सब मिस ना करे। तो लेट्स जंप इनटू द वीडियो। कढ़ाई इस टाइप के एक बॉक्स के अंदर रिसीव हुई थी। बॉक्स बहुत स्टडी बॉक्स है और इसके ऊपर ब्रांड नेम लिखा हुआ है सोलिमो, स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई लिखा हुआ है और पीछे जो है कुछ डिटेलिंग्स दिया हुआ है। जैसे कि अमेजन ब्रांड सोलिमो का ये एक ब्रांड है, ये इंडक्शन बेस्ड कढ़ाई है। मॉडल नंबर दिया हुआ है और 25 सेंटीमीटर का कढ़ाई है। ओरिजिनल प्राइस जो है वह है 700, लेकिन आपको कुछ डिस्काउंट मिलेगा। ये कढ़ाई जब मुझे रिसीव हुई तब मैं इसका अनबॉक्सिंग कोई वीडियो नहीं किया था, क्योंकि मुझे थोड़ा डाउट था ये कैसी होगी, लेकिन फॉर्चुनेटली ये बहुत अच्छी निकली है। तो मैंने बॉक्स वगैरह रख दिया था, तो इसलिए मैंने आपको थोड़ा दिखा दिया कि ये कैसे, मतलब पैकेजिंग इसका कैसी है। तो अभी थोड़ा फीचर्स देख लेते हैं। इसकी जो वेट है वो काफ़ी ज़्यादा भी नहीं है और बहुत हल्की भी नहीं है, ठीक ठाक वेट है। दोनों तरफ रिवेट किया हुआ हैंडल्स है, बेकेलाइट का हैंडल्स है जो आपको अच्छी ग्रिप देगी कुकिंग के टाइम। पीछे इंडक्शन बॉटम है, तो इंडक्शन एंड गैस आप दोनों में ही कुकिंग कर सकते हैं। मटेरियल जो है वो 100% फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील, ऐसा कंपनी का क्लेम है। कढ़ाई की डायमीटर 25 सेंटीमीटर है, कैपेसिटी 3000 ml है, थिकनेस 0.6 mm है और ये डिशवाशर सेफ भी है। आप इसको डिशवाशर में भी क्लीन कर सकते हैं और इसके अंदर 3 to 4 फैमिली मेंबर्स के लिए आप खाना बना सकते हैं। तो अभी मैं कुछ कुकिंग के क्लिपिंग्स डाल रही हूँ ताकि आपको पता चले कि ये कढ़ाई कितनी यूजफुल है। अब जरा क्लीनिंग पार्ट भी देख लेते हैं। कढ़ाई अगर जल जाए तो कितना आसानी से साफ होती है वो भी थोड़ा देख लेते हैं। मैं जो है ये कढ़ाई हाई फ्लेम में बिठा के भूल गई थी तो जल गई। तो मैंने क्या किया, इसको ठंडा पानी से पूरा फिल कर दिया कढ़ाई को और उसके बाद उसको ऐसे ही आधे घंटे के लिए छोड़ दिया।
आधे घंटे बाद ये जो पानी था उसे फेंका है और एक स्टील स्पॉन्ज जो आते हैं स्कॉच ब्राइट का उससे इसको थोड़ा सा स्क्रब किया। थोड़ा सा स्क्रब करने से ही वो जो कालापन था वो निकल के आ गया और कढ़ाई एकदम से साफ हो गई। तो कढ़ाई अगर जल भी जाए तो भी साफ करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। प्रोज एंड कॉन्स की अगर बात करें तो इसकी पॉजिटिव साइड ज़्यादा वेटी है। एक तो ये बजट फ्रेंडली है, जहाँ आप 2000 एंड 3000 इन्वेस्ट करने वाले थे वहाँ आप सिर्फ 500 इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ये बजट फ्रेंडली है। नेक्स्ट इंडक्शन फ्रेंडली है, आप गैस एंड इंडक्शन दोनों में ही कुक कर सकते हैं। थर्ड इसका शेप बहुत अच्छी है और ये डिफरेंट साइज में आती है, दोनों तरफ हैंडल है तो कुकिंग के टाइम आप इजीली ग्रिप अच्छे रहेगा आपका। और सबसे बड़ी बात ये स्टेनलेस स्टील की है तो हेल्थ के लिए भी हार्मफुल नहीं होगी। अभी अगर कॉन्स की बात करते हैं तो इसका दो ही चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगा। एक है इसका जो लिड नहीं है, अगर इसके साथ एक लीड आती तो बहुत अच्छा होता, लेकिन ठीक है 500 रुपीस में आप इससे ज़्यादा क्या मांग सकते हो। लीड तो बाज़ार में आसानी से आपको मिल जाएगी। और सेकंड है इसमें कहीं पे भी कंपनी का कोई वाटरमार्क नहीं है, तो ये मुझे थोड़ा अजीब लगा क्योंकि अगर ये सोलिमो ब्रांड का है तो ब्रांड का एक मतलब स्टैम्प तो होना चाहिए था, लेकिन कहीं पर भी स्टैम्प नहीं है। तो ये दो बातें अगर हम छोड़ दें तो ये कढ़ाई बहुत ही अच्छी है। 500 रुपीस में ये एक स्टील डील है, आप ज़रूर एक बार ट्राई कर सकते हो। और ये जो है ये मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है, कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। तो प्लीज़ अगर आप चाहते हो बजट में एक अच्छी स्टेनलेस स्टील कढ़ाई तो यू कैन गो फॉर इट। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये रिव्यू आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा है तो प्लीज गिव इट अ बिग थम्स अप। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर किसी को जरूरत है तो उसके साथ शेयर कीजिए, और आपको कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और प्लीज 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 सब्सक्राइब हैप्पी होम मेकिंग और क्लिक द बेल आइकन ताकि मेरा कोई भी न्यू एपिसोड मिस ना करे। मैं मिलूंगी आपसे और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।